कांकेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज बिजली दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सेन चौक से रैली की शक्ल में निकल दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है, शहर में रोजाना अघोषित रूप में घंटों तक बिजली बंद की जा रही है। शिकायत के बाद भी लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान नहीं हो रहा, जबकि बारिश के पूर्व विभाग ने 15 दिवस तक बिजली बंद कर मेंटेनेंस कार्य किया था, बावजूद उसके शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं सहित खेती किसानी का कार्य चल रहा है, जिससे सभी को बेहद तकलीफ हो रही है। अगर इसके बाद भी विभाग द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। लगातार आप लोग भी खुद देख रहे हैं, आप लोग भी सब परेशान हैं। मीडिया वालों को हमारा फोन आ रहा था कि क्या हालत हुई बिजली का। कल हमसे कई लोग बोले थे, हमारे युवा मोर्चा शहर मंडल के द्वारा आज बिजली विभाग पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है कि आज देखिए कि लगातार हल्का सा पानी नहीं गिरता, रातर भर लाइट गोल है। गांव की स्थिति ये है कि दो दो दिन तक कई गांव में लाइट नहीं है। अन्नपूर्णा पारा में आज सुबह लाइट आई है, बढ़दे भाटा में 2 बजे रात गोल हुआ, सुबह लाइट आ रही है। यहाँ फ़ोन करो कोई रिसीव उठाता नहीं है, मतलब बिजली विभाग का कोई माई बाप नहीं रह गया है। मतलब भूपेश बघेल जिनके इंचार्ज में जैसे उनका कोई माई बाप नहीं रह गया, वैसे इस विभाग का कोई माई बाप नहीं रह गया। पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त भ्रष्ट हो गए हैं। ट्रांसफार्मर यहाँ आता है, ट्रांसफार्मर लगता है दो दिन ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। सामान यहाँ घटिया सप्लाई हो रहा है, बिजली विभाग पूरी तरह चरमरा गई है। एक तरफ झूठे वादे करके हाफ बिजली देंगे बोल के सरकार में बैठ गए, आज ये स्थिति हाफ नहीं बिजली नहीं दे रहे हैं और उससे डबल पैसा ले रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। बिजली की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस उनके द्वारा दिए गए आवेदन को उच्च कार्यालय कार्यपालन अभियंता कांकेर उप संभाग को प्रेषित करके इस समस्या से अवगत करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी मानसून का आगमन हुआ है जिससे लाइन बाधित हो रहा है, उसके लिए हमारे कर्मचारी तत्पर लगे हुए हैं कार्य को सुधार करने के लिए। जहाँ भी फॉल्ट होता है उसको तत्काल जाके सुधारवाने का कार्य किया जा रहा है। नहीं, कर्मचारी तो हैं यहाँ पर हमने अब दो शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी लगाया हुआ है। जैसे रात में अगर कहीं सेक्शन उठता है, फॉल्ट होता है, तो उसके लिए पूर्व में एक ही शिफ्ट लगता था, अभी मौसम को देखते हुए दो शिफ्ट लगा दिया गया है ताकि तत्काल निराकरण हो सके समस्याओं का करके। पघानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।